एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हर गैरेज की एक और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो एकदम एक्सक्लूसिव होने वाली है। सबसे पहली बात, प्राइमा 4625.S का आपको यूट्यूब पे इंडिया में कोई भी रिव्यू नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये पहला ट्रक रिव्यू होने वाला है जो किसी महिला द्वारा किया जाएगा। अब भैया, मैंने सोच रखा है मुझे जो कुछ भी करना है एकदम यूनिक करना है। वो बात अलग है कि बाद में लोग कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहे, हम तो ट्रेंड सेटर है, हमें ट्रेंड सेट करना है। अब चलो, आज के लिए हवा बहुत हो गई। अब ट्रक रिव्यू पहली बार कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिव्यू डिटेल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। ऑल्सो, अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं तो भी आपको इसकी वीडियो देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये अलग ही चीज है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे प्राइमा के कैबिन में बैठी हूँ। इसका कैबिन इतना ज्यादा बड़ा है। ऑल्सो, पीछे आपको यहाँ पे एक स्लीपर भी दिया गया है जिसके ऊपर आराम से एक से डेढ़ बंदा सो सकता है। एंड जैसे कि मेरा नाम महक है तो मुझे खुशबू का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं अपने साथ यहाँ पे इन्वॉल्व का क्रश परफ्यूम उठा लाई। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है देखने में, ऐसे लगता है किसी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है। और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कैंस ओपन होते हैं, ये ओपन भी वैसे ही होता है। जैसे ही मैंने ओपन करके इसको स्मेल किया, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा डिलीशियस है ना, मतलब जैसे कभी आपने जेली खाई हो तो आपको ध्यान होगा कितनी यम्मी सी फ्रेग्रेंस होती है उसकी, बिल्कुल वैसी खुशबू है इसकी। ऑल्सो, मैं एक बात और सोच रही हूँ कि जब यहाँ बैठे बैठे इतने बड़े कैबिन में इसकी खुशबू पूरी फैल चुकी है, तो मतलब आपकी गाड़ी को तो पूरा ही मिटा देगा फिर। अगर आप ऐसे ओपन करके देखोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको पूरा जेल की फीलिंग मिलेगी। देख सकते हैं आप, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ ना, तो बबल गम, ग्रेप फ्रूट या फिर बेरीज जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। सभी बातें एक तरफ और जो इसका प्राइस पॉइंट है वो एक तरफ, मतलब सिर्फ 350 रुपये का आपको ये मिल जाता है। और आप लोग तो हर गैरेज के फैमिली मेंबर हो, तो आप सभी के लिए मैंने एक डिस्काउंट कूपन भी अरेंज कराया है। कूपन का नेम है हर गैरेज, लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मेंशन कर दूंगी। जल्दी से जाके खरीद लो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया भी है। शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले टॉप पे आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मिरर देखने को मिल जाता है। मतलब अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ड्राइवर को अंदर बैठे बैठे नहीं दिखेगा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इस मिरर के हेल्प के थ्रू अंदर ड्राइवर को दिख जाता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। फ्रंट के सारे ब्लाइंड स्पॉट्स कवर हो जाते हैं इस मिरर की हेल्प के थ्रू। इसकी विंडशील्ड अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी विंडशील्ड है। अंदर से मैं दिखाऊंगी, इससे बहुत ही अच्छा व्यू आता है। एंड वाइपर्स देख लो, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि एक बार में पूरी नैनो वाइप हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, टाटा के इनिशियल्स दिए गए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्राइमा एलेक्स 4625.S की वेरिएंट बैजिंग मिल जाती है। ये वाले एरिया जो दोनों साइड दिए गए हैं, ये एरोडायनामिक्स के लिए दिए गए हैं। सेंटर में अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे तो काफ़ी ह्यूज ग्रिल आपको यहाँ पे दी गई है। और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड आपको हुक्स दिए गए हैं, मतलब ये हाइड्रोलिक्स के थ्रू ओपन होता है। आपको इस तरह से इसको पकड़ के रहने की जरूरत नहीं, आप इजीली यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और जैसा मेरी हाइट 5'8" है, 6+ वाले भी यहाँ पे बहुत ही आराम से खड़े हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये 4 सस्पेंशन सेटअप के साथ में आता है, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पीछे हैं। ऑल्सो, अगर ड्राइवर चाहे तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे आके सब कुछ एक्सेस कर सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आपको एक बम्पर दिया गया है, मेटल का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बम्पर आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। हेडलैम्प्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स भी मिलते हैं। प्रोजेक्टर और हेलोजन के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे हेडलैम्प ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप की यूनिट मिल जाती है, बट फॉग लैंप आपको ऑफर नहीं किए गए हैं, आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड कुछ यहाँ पे आपको एक फुटस्टेप सा दिया गया है, मान लीजिए आपको ऊपर चढ़ के विंडशील्ड साफ़ करनी है या कुछ और क्लीन करना है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट, इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ये। इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो अलग ही लेवल पे है, मतलब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मेरे जैसे तो 2 लोग आ जाएंगे यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल। सबसे पहले यहाँ पे आपको BS6 की बैजिंग मिल जाती है, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। एंड यहाँ पे आपको 2 ORVM दिए गए हैं, एक नॉर्मल है और एक वाइड एंगल है। साइड में भी आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाता है, ताकि साइड के ब्लाइंड स्पॉट्स यहाँ पे कवर हो सके। एंड डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल दिया गया है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, ब्लैक में है। ये जो डोर है ये भी 90 डिग्री तक ओपन होता है, सेम अल्ट्रोज वाला हिसाब है। मुझे लगता है अल्ट्रोज का डोर भी इसी से इंस्पायर्ड है। एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हुक दिया गया है, जिसे आप कुछ इस तरह से पुल करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है, और अंदर यहाँ पे जैक पाना पड़ा है। इसके टायर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ा टायर है इसका, 295/90R20 टायर सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलता है, बहुत ही यूज है, आधी हाइट का आ रहा है मेरे मतलब। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाला टायर है। एंड यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको 3 फुटस्टेप दिए गए हैं, जो कि देने ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना तो यहाँ चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी हाइट पे है। अगर मैं इसके स्पेयर व्हील के बारे में बात करूँ तो कुछ यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, जो सेम ही टायर सेक्शन के साथ में आता है।
इसमें आपको जो फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है वो पॉलीमर का बना हुआ है और इसमें आपको दो फ्यूल टैंक मिलते हैं। पहले वाला फ्यूल टैंक 365 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है एंड सेकेंड फ्यूल टैंक में आपको 192 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। इन टोटल इसमें आपको 557 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है, मतलब बहुत यूज है। जनरली बात कर रही हूँ, फॉर्चुनर का फ्यूल टैंक 80 लीटर का होता है, वो भी बहुत मैसिव है, बट ये तो भैया नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही यूज है। अब भैया मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जनरली, अब ऐसा कोई मत कमेंट करना कि आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, प्लीज ऐसा कमेंट मत करिएगा। और इतना सारा फ्यूल देख के मान लीजिए किसी की नियत खराब हो जाए तो इसमें एक अच्छा फीचर है एंटी थेफ्ट का, मतलब ड्राइवर के फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी इसमें से फ्यूल चुराने की कोशिश करेगा। तो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, रियर में आपको जो टेल लैंप्स दिए गए हैं वो एलईडी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है एंड ये वाले एरिया में मुझे नहीं पता कंपनी फिटेड स्पीकर्स आते हैं कि नहीं, ऐसे अंदर देख रही हूँ तो हॉलो लग रहा है मुझे। बाकी जगह आपको दी गई है यहाँ पे स्पीकर्स फिट करने की एंड यहाँ पे आपको जो विंडोज दी गई है मैनुअल दी गई है, पावर दे देते तो मज़ा आ जाता। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है। इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिसे आप पकड़ के कुछ इस तरह से यहाँ पे चढ़ सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। अगर मतलब आप कार चलाते हैं तो आपको ये बहुत ही ह्यूज लगेगा एंड ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स के साथ में आता है। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पे जैसे हॉर्न सेंटर में होता है ना स्टेयरिंग व्हील के, यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है ट्रक में। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ही आपको इसका इंडिकेटर का कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर और ट्रक में कितना फ्यूल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एनालॉग देखने को मिलती है। सेंटर में आपको यहाँ पे 5.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, किलोमीटर्स ड्रिवन एटसेट्रा देखने को मिल जाती है। बट सॉरी मैं आपको ये ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ट्रक की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। मैंने आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाते टाइम बताया था यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मिरर दिया गया है। अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे नीचे का बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, कुछ भी बड़ा होगा तो मुझे साफ साफ नजर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो ORVM है उसका व्यू काफ़ी क्लियरली आ रहा है साइड से, मतलब कार में मुझे नहीं लगता इतना क्लियर व्यू आता है साइड का। और इसकी विंडशील्ड देखिए बहुत ही ह्यूज है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको लगेगा बहुत ही हाइट पे चढ़ के बैठे हो। नीचे अगर एक कार भी खड़ी होगी, अभी जैसे यहाँ पे ब्रीजा खड़ी थी वो भी चली गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती, वो भी काफ़ी छोटी लग रही थी। और कुछ यहाँ पे आपको इसकी हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एक इमरजेंसी का बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको इसके ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रेट रोड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो लाइट मोड है, अगर थोड़ी सी हाइट है थोड़ा सा टिल्टेड है तो आप मीडियम मोड यूज़ कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही स्टीप हाइट पे अगर ड्राइव कर रहे हो तो हैवी मोड आप यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाता है एंड ये जो चीज़ है ये मुझे बड़ी अलग सी लगी, जनरली मूवीज़ में ही देखा है मैंने, ये एक इमरजेंसी बटन सा लग रहा है जिसके ऊपर हेल्प 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 लिखा हुआ है। इसमें आपको 5 AC वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पूरा AC कैबिन ऑफर किया गया है एंड इसका जो ग्लव बॉक्स है ट्रक के साइज़ के अकॉर्डिंग मिनी ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, मतलब अल्ट्रोज में जो आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है वो इससे वे वे बिग है। सीट्स की कंफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ट्रक में भी इतनी कंफर्टेबल सीट्स आती है। ऑल्सो इसकी जो सीट्स है वो रिक्लाइन हो जाती है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ऑल्सो इसका जो कैबिन है इतना बड़ा दिया गया, आराम से आप यहाँ पे घूम भी सकते हो और पीछे आपको यहाँ पे पूरा एक गद्दा सा दिया गया है जिसके ऊपर आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डेढ़ बंदा यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे पीछे आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ में मिरर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ऑल्सो ज़रा देखिए इसके जो सनशेड है इतने ज़्यादा बड़े हैं, मतलब मैंने इतने बड़े सनशेड लाइफ में कभी नहीं देखे हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है एंड ये वाला जो पूरा एरिया ये ग्रे सी थीम में आपको देखने को मिलता है। मैंने एक शॉट में जब ये ऊपर दिख रहा था तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सनरूफ के लिए कटआउट दिया गया, तो ऐसा नहीं है, वैसे यहाँ पे कटआउट सा दिया गया है। यहाँ पे आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है एंड ये 8+L+R के साथ में आता है। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर देखने को मिल जाता है। इसके ओवरऑल कैबिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ट्रक के कैबिन का मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट इसका जो कैबिन है मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको एक स्लीपर भी दिया गया है। इसके इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग इंजन है। इसमें आपको 6.7 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 250 हॉर्स पावर एंड 950 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। 950 न्यूटन मीटर एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सेफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टाटा की सेफ्टी के तो चर्चे ही अलग है। ऑल्सो इसका जो वेट है वो है 45,500 किलोग्राम, मतलब बहुत ही भारी ट्रक है ये। इसमें एक और फीचर है जिसका नेम है हिल असिस्ट।
इस जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये फीचर हेल्प करता है कि ट्रक अगर स्लोप पे खड़ा है तो ये रोल बैक ना करे। वारंटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने जनरली कार्स में सुना होगा कि आपको 1 लाख, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल की वारंटी मिलती है, बट यहाँ पे ट्रक में आपको 6 साल और 6 लाख किलोमीटर की मैसिव वारंटी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा पहला ट्रक रिव्यू था। अगर कोई कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ट्रक रिव्यूज़ लेकर आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।